महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। 1235 में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुँचने के लिए सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। मंदिर में लगा एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तुतमिश ने जब मंदिर की तुड़वाया तो शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फिकवा दिया गया था। बाद में इसकी पुनः प्रतिष्ठा कराई गई। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज हम जानते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी पौराणिक कथा क्या है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट कहते हैं कि भगवान शिव काल से परे हैं। वे आदि हैं, वे अनंत हैं, वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगा रही थी। बालक के ना आने पर गुस्साई माँ उसके पास गई और पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहाँ पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात में ठहरता है तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान कहा जाता है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि लिंगम रूप में पीठासीन देवता शिव स्वयंभू हैं, जो शक्ति की धाराएं उत्पन्न करते हैं। स्वयं के भीतर से अन्य छवियों और लिंगों के विपरीत, जिन्हें अनुष्ठान पूर्वक स्थापित किया जाता है और मंत्र शक्ति के साथ निवेशित किया जाता है। समय के देवता शिव अपनी संपूर्ण महिमा के साथ उज्जैन शहर में अनंत काल तक शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर इसका आकाश की ओर उठा शिखर क्षितिज के सामने एक भव्य अग्रभाग अपनी महिमा के साथ आदिम विस्मय और श्रद्धा को जागृत करता है। आधुनिक व्यवस्थाओं की व्यस्त दिनचर्या के बीच भी महाकाल शहर और इसके लोगों के जीवन पर हावी है और प्राचीन हिंदू परंपराओं के साथ एक अटूट संबंध प्रदान करते हैं। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव।